महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री अजीत पवार ने राज्य के बजट में 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ते की वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की। इसके साथ ही बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनावों से 4 महीने पहले जुलाई से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट आवंटन किया जाएगा। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट में घोषणा की है कि मुंबई क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल पर कर घटाया जाएगा। मुंबई क्षेत्र के लिए डीजल पर कर 24% से घटाकर 21% किया जा रहा है, जिसके चलते प्रभावी रूप से डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आई। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बरेच वर्ष आम्हाला अनेकदा महिला म्हणायच्या की बाबा तुम्ही काहीतरी गॅस सिलेंडर आम्हाला मोफत दिले पाहिजे, आणि मुख्यमंत्र्यांच्याकडे पण तशी मागणी होती, देवेंद्रजींच्याकडे पण तशी मागणी होती। यावेळेस मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सरकारने 3 गॅस सिलेंडर वर्षाला 52,16,412 कुटुंबियांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीने आता थोड्या वेळापूर्वी आली असेल, 2:30 का काहीतरी होणार होती, आणि उद्या संत ज्ञानेश्वर महाराजांची आहे, आणि त्याच्यामुळं सुरुवात आम्ही त्यापासून केली। पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनाच्यासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे, त्याच्यामध्ये सरकारने